देखो अभी ये क्या है, कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो दो है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आज सुबह से ना मैं ब्लॉग ही शूट नहीं कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह से लाइट बंद है और मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं था, डिस्चार्ज था। लगभग 3 बजे लाइट आई थी, उसके बाद ही मैंने मोबाइल चार्ज करा और आप जाकर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप कितना क्या ब्लॉग शूट कर पाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा ना कि मैं जिस दिन ब्लॉग शूट करता हूँ ना उसी दिन अपलोड भी करता हूँ। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉग बन नहीं पाया है ना, अभी मैं यही कर रहा हूँ कि जितने शूट करता हूँ उसी दिन अपलोड करता हूँ। करो चल। तो गाइस ये वीडियो भी अभी हम लोग शूट कर ही रहे थे और कमल का फोन आने लग गया था, फिर अभी वो कमल ने फोन उठाया, उसका बात बात करी, उसके बाद अभी फिर से ये ब्लॉग आगे बढ़ा रहे। और आपको एक और मैं गुड न्यूज बता देता हूँ गाइस कि दोपहर को ना दो पार्सल आए हुए और इतने बड़े बड़े पार्सल आ रखे, तो उनकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो ब्लॉग बन जाएगा। सो आप लोग भी देखना कि उन दो पार्सलों में क्या आया हुआ है। कल ना बहुत तेज हवा आंधी आ रही थी ना, उसकी वजह से सुबह से लाइट बंद थी। और गाइस आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, कल के शूट करे हुए जब आंधी आई थी ना तब के शूट करे हुए क्लिप है मेरे पास, वो आप देख लीजिए। खतरनाक ऐसा दिख रहा है कि आज तो एक आधा घर ही उड़ा दे, इस तरह से उठी हुई दिख रही है आंधी, इस तरह से आने वाली आंधी ऐसा लग रहा है, खतरनाक ही दिख रहा है सामने। देखो ये बकरिया वाले भाई ले जाओ बकरिया, तो उड़ नहीं जाए साथ में। क्या हुआ, चलो चलो ये पेड़ नहीं गिर जाए, हिल रहा है, देखो डर भी लगता है इस पेड़ का, नहीं गिरेगा रे। गिरेगा अगर पेड़ तो अपने घर पे ही गिरेगा। इधर से आवाज़ है, इधर से आ रहे ना आंधी, देखो आंधी, अचानक से आंधी, खतरनाक आंधी है, बहुत ही खतरनाक आंधी है और मेरे को तो उड़ा रही है, बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज आंधी है। देखो अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर घुसो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, सबके सब अंदर जाओ, मम्मी अंदर घुस, अंदर घुसो। अचानक से ही मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आने लग गए, हवा में मेरा मोबाइल भी उड़ रहा है। तो देखा गया सब लोगों ने क्लिप कैसे क्या आंधी हवा चल रही थी, उसकी वजह से लाइट बंद थी और इसलिए मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं हो पाया था। तो गाइस अभी हम लोगों को दिखाते हैं, देखो अभी ये क्या है, कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो दो है नीचे बैठते पहले, तो ये देखो कितना बड़ा है, ये भी और ये भी, भजन भी बहुत है ना। तो गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों पार्सलों में क्या है, थोड़ा नीचे हो जाना, या तो कुर्सी ले आ, पांव दुख रहे हो तो ठीक लग रहा है ना, कमल रिकॉर्ड कर रहा ना। तो गाइस कोई अंदाजा लगा सकता है कि इन दो पार्सलों में क्या हो सकता है, बताइए। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोग बताइए, ये देखो इनका साइज देखो कितना बड़ा है। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, इनको खोलते हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं इसका अच्छा सा प्यारा से थंबनेल, ठीक है। चलो देख सकते हो दोनों पार्सल आप लोगों के सामने रखे हुए और अब हम दोनों पार्सलों की अनबॉक्सिंग करते हैं। जिन्होंने भी ये दो प्यारे से गिफ्ट पहुंचा रखे उनको दिल से शुक्रिया। सभी हम खोल के देखते हैं इसमें क्या है, और मुझे नहीं पता है कि किसने क्या भेजा हुआ है, ठीक है। और जो भी भेजते हैं ना, अगर मैं उनका नाम ले लेता हूँ ना वो फिर वो बोलते कि हमारा नाम मत लिया करो, इस वजह से फिर अगर नाम पता भी रहता तो मैं नहीं लेता, लेकिन इस बार मुझे पक्का नहीं पता है कि किसने भेजे हुए, ठीक है। तो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इनमें क्या है और इसकी पैकिंग वगैरह कैसी है, देख लीजिए। मैंने बहुत सारे पार्सल वीडियो बनी रोकी थे, बनी रोकी भाई, ठीक है इसमें क्या है और इसमें समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, इधर देखो लाइट चले गया, वहां जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले खोलते हैं ये वाला पार्सल, ठीक है, यहाँ से इसको लेकर पैकिंग तो मस्त लग रही है, चलिए डायरेक्ट आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करते हैं। एक एक करके सामान दिखाएंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है।
बाप रे, इसमें क्या है सर? ओ बहुत प्यारी चीज है। इसमें तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये क्या है सर? अरे आसो रखा है, पता नहीं किस किसको रखते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसमें पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई कर सकते, कितना प्यारा गिफ्ट है ना। अभी खा लिए, दूसरे वाला भी तो लेके चलो। कितना प्यारा गिफ्ट है, देखो मैं भी साइड में रखो, आराम से चोट नहीं लगे। लो मम्मी इसको पकड़ो, चलो अब ये वाले की अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या होगा गाइस, अंदाजा लगाइए कि इसमें क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी वही हो, बताइए क्या होगा। कोई इसमें बता सकता है कि क्या है? इसमें भी वही लग रहा है। ये देखो, ये बिट्टू का होगा, बड़ी है थोड़ी, ये शेर है। अरे किधर दिख रहा है? ये देखो ये चेयर है, और ये इस पे रख के पढ़ाई करने का आता है ना, वो है शायद, है ना, ऐसा करके पढ़ाई करेंगे ना, वो होगा। समझ गया, ये देखो, ये आप समझ में आया, देखो ये है ना, इधर देखो, इधर मुझे बिट्टू, इधर इशा, तन्नू तुम मिला, तन्नू का मिला बिट्टू इधर बैठ, ये नहीं आ रहा यार, आ जाएगा का लाख माओ, अरे थोड़ी मत लाग जाए का लाख बस। सो फाइनली ये देखो, चलो पढ़ाई करो मत से, तन्नु गिरा मत देना, चलो। सो फाइनली गाइस, इधर देखो, ऊपर देखो बिट्टू तन्नु। सो गाइस देख सकते हो कितना प्यारा गिफ्ट आया हुआ है बिट्टू तन्नु के लिए, बहुत अच्छा। कैसा लगा मम्मी? जितने बोला भेजा, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को गिफ्ट प्यारा सा कैसा लगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिट्टू तन्नु पढ़ाई करो जल्दी, ये गिनती है। आप भी बोल दो बेटा, तो गाइस जिसने ये भेजा है उसके लिए थैंक यू। सच में गाइस बहुत प्यारा गिफ्ट लगा, बहुत बहुत प्यारा लगा। चलिए गाइस सर, फटाफट कर लेते हैं हम इस वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे फटाफट इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी है, फट से अपलोड करना है। तो बताना गाइस आज का ये ब्लॉग कैसे क्या लगा, और ये प्यारा सा गिफ्ट कैसे क्या लगा, और जिसने भी प्यारा सा गिफ्ट भेजा हुआ उसको दिल से थैंक यू सो मच। आप बच्चों के इतना सोचते हो, तो गाइस बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर फॉलो कर लेना। साइड में देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो रही होगी, और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अब वहाँ से डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।